हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक गैजेट्स यूज से और मैं स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। आज का वीडियो काफी एक्साइटिंग होने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना क्योंकि आपको पता चल जाने वाली हैं 7 ऐसी चीजें जो कि नोकिया 7 प्लस को बनाएंगी कहीं ना कहीं एक स्पेशल स्मार्टफोन इंडिया में। और ऐसे में 4 तारीख को ऑफिशियली ये फोन लॉन्च होने वाला है। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि मैंने नोकिया 7 प्लस एक्सपीरियंस किया है, उसको टेस्ट किया है, उसका कैमरा टेस्ट किया है, उसकी बिल्ड क्वालिटी देखी है, उसका यूआई देखा है, उसका ओवरऑल रिस्पॉन्सिव स्पीड देखी है यूआई की। और ये सारी चीजें देखने के बाद मेरी तरफ से बिग थम्स अप है। शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आपको सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड के बारे में। डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी के मामले में बहुत ही बढ़िया फोन नोकिया 7 प्लस है क्योंकि पूरा मेटल का फोन बना हुआ है और ऐसे में डिस्प्ले तो बहुत ही शानदार है। तो दूसरी चीज यहां पे बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले इस फोन मिलेगा आपको 6 इंच का 18:9 वाला डिस्प्ले, साथ ही साथ ये डिस्प्ले जो है कर्व डिस्प्ले है तो अगेन आपको कर्व भी मिल जाएंगे। इसके अलावा 18:9 डिस्प्ले भी मिल जाएगा, फुल एचडी डिस्प्ले है तो ऐसे में अच्छी पिक्सल डेंसिटी भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं सबसे स्पेशल चीज जो कि नोकिया 7 प्लस की है और वो है इसका हार्डवेयर, जिसमें मिलेगा आपको स्नैपड्रैगन 660 एक तरह का अपग्रेड है स्नैपड्रैगन 653 का, जो कि एक पावरफुल चिपसेट होता था, हीट बहुत होता था। ऐसे में 660 देखने वाली बात होगी कि कितना ये हीट अप होगा। साथ ही साथ इस प्रोसेसर का आर्किटेक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, ये 625 जैसा नहीं है, 626 जैसा नहीं है, ये उनसे ऊपर है परफॉर्मेंस में और ओवरऑल चीजों में, क्योंकि इसमें आपको पहली बार मिलेंगे क्रियो कोर्स 260 मिलेगा, एक मिलेंगे 4 कोर्स जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड हैं, बाकी के 4 कोर्स क्लॉक्ड हैं 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पे। एक तरह से देखा जाए तो काफी बढ़िया प्रोसेसर इस फोन में मिल जाएगा आपको और इसी वजह से ये थोड़ा महंगा भी होगा। तो चौथी चीज है यहाँ पे सेल्फी कैमरा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है इस फोन में। अगेन सेल्फी यहाँ पे बढ़िया आ जाएंगी और कमाल की बात तो है रियर कैमरा में। तो रियर कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का F1.7 वाला कैमरा, साथ में एक और 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है वो है F2.6। तो ऐसे में एक वाइड एंगल कैमरा मिल रहा है इस फोन के अंदर, आपको कार्ल ज़ीस के ऑप्टिक्स मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑप्टिकल जूम के साथ साथ वाइड एंगल कैमरा भी मिल रहा है। और ये दोनों चीज डेफिनेटली कमाल की बना देती है नोकिया 7 प्लस को, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा फोन नहीं है जिसमें आपको वाइड एंगल कैमरा भी मिले और साथ साथ 2x का ऑप्टिकल जूम भी मिले, जो कि मिल रहा है नोकिया 7 प्लस में। अब और चीजों की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको DDR4 रैम मिले, जो कि अगेन लेटेस्ट आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और ऐसे में यहां पे फोन की ओवरऑल स्पीड भी अच्छी होगी क्योंकि यहां पे जो यूआई है वो नोकिया के कुछ डिफॉल्ट एप्लीकेशन के अलावा पूरा यूआई स्टॉक एंड्रॉइड मिलेगा तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। ऐसा ही कुछ मुझे फील हुआ था जब नोकिया 7 प्लस को मैंने एक्सपीरियंस किया था। ये फोन आएगा 64GB स्टोरेज, साथ में 4GB रैम और एक और वेरिएंट आएगा इसका जिसमें आपको 6GB रैम मिल जाएगी और स्टोरेज हो सकता है कि बढ़ जाए या फिर हो सकता है 64GB के साथ आपको ये फोन मिल जाए। साथ ही साथ बैटरी की मैं बात कर लेता हूं, बैटरी भी इस फोन की अच्छी होने वाली है, यानी कि 3800mAh की बैटरी, बड़ी बैटरी मिलेगी बड़े डिस्प्ले के साथ, तो कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं दिखता है नोकिया 7 प्लस में जो कि इंडिया में 4 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। तो डेफिनेटली इस फोन का वेट कीजिए और वेट कीजिए हमारे फुल रिव्यू का भी जो कि इस फोन के अराउंड आएगा और कंपैरिजन भी हम करेंगे रेडमी नोट 5 प्रो के साथ भी, वीवो वी 9 के साथ भी और ओप्पो के साथ नहीं करेंगे, और साथ ही साथ इसका कंपैरिजन करेंगे हम वन प्लस 5e के साथ भी। तो आप देखते रहिए वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल क्योंकि इसका फुल रिव्यू और कुछ डिटेल्ड कंपैरिजन हमारे चैनल पे आ जाएंगे तो वो भी आप देख लेना और खुद तसल्ली कर लेना कि आपको ये फोन लेना है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।